हेलो एवरीवन, सीजीपीएससी एबीसीडी में आप सभी का फिर से स्वागत है। इस वीडियो के अंदर मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन करने वाला हूँ। वो जो टॉपिक है, छत्तीसगढ़ में आयोजित सभी परीक्षाओं के लिए रणनीति, ठीक है, या फिर कह लीजिए कि स्ट्रेटजी बिफोर गोइंग इन एग्ज़ाम। मतलब क्या कि छत्तीसगढ़ में आयोजित कोई सा भी एग्ज़ाम हो, जो यहाँ पर मैंशन किया हुआ है, चाहे वो महिला सुपरवाइज़र का है जो कि कल होने वाला है, हॉस्टल वार्डन, सीजी व्यापम, सीजीपीएससी, पटवारी हो, आरआई, एडीओ, या फिर जो भी एग्ज़ाम हो जो होने वाला हो और इन फ्यूचर होगा, उन सभी के लिए क्या रणनीति होना चाहिए, ठीक है, या फिर एग्ज़ाम में जाने से एक दिन पहले हमको किन किन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए या फिर ध्यान देकर जाना चाहिए ताकि एग्ज़ाम में हमसे किसी भी तरह की गलतियाँ ना हो। तो इन सारी चीज़ों का इस वीडियो के अंदर हम डिस्कशन करेंगे। या फिर कोई भी जो एक स्टूडेंट होगा, जो एक एस्पिरेंट होगा, जो एग्ज़ाम देने जा रहा है, ठीक है, और वो पढ़ के जा रहा हो, तो उसके लिए क्या क्या, किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए उसे, ठीक है, उसके लिए रणनीति क्या होना चाहिए। तो हम इस वीडियो के अंदर इन्हीं रणनीतियों पर डिस्कशन करेंगे कि क्या करना है एग्ज़ाम में, क्या नहीं करना चाहिए, या फिर तुक्का कब मारें, या फिर किन प्रश्नों को तुक्का नहीं मारें, इन सारे चीज़ों का इसमें डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो देखिए, हम इसमें रणनीति की बात करने वाले हैं कि क्या रणनीति होना चाहिए। देखिए, पहली बात तो ये रणनीति सबके लिए नहीं होता है। रणनीति केवल ऐसे स्टूडेंट या ऐसे एस्पिरेंट्स के लिए होता है जो वाकई में सीरियस होते हैं, ठीक है। मतलब क्या कि रणनीति सीरियस एस्पिरेंट्स के लिए बनाया जाता है, कि उन एस्पिरेंट्स के लिए या फिर उन लोगों के लिए स्ट्रेटजी नहीं बनाए जाते जो केवल फॉर्म भरकर भीड़ बढ़ाने का काम करते हैं। उनके लिए स्ट्रेटजी नहीं होती, क्योंकि वो तो पढ़े हैं नहीं साल भर और जाके 100% तुक्का मार के आएंगे, तो उनके लिए क्या ही स्ट्रेटजी बनाएंगे। इसीलिए स्ट्रेटजी केवल पढ़ने वालों के लिए, जो सीरियस एस्पिरेंट्स होते हैं, उनके लिए बनाए जाते हैं। इन चीज़ों को ध्यान रखेंगे और कभी भी आप इन बातों से नहीं घबराएंगे कि भाई इस बार 1 लाख लोगों ने फॉर्म भरा है, 50 लाख लोगों ने फॉर्म भरा है, पोस्ट इतना कम है, क्योंकि वो सारे जो है उसमें से 70% तो ऐसे होते हैं जो केवल भीड़ बढ़ाने के लिए होते हैं। उनकी कोई एग्ज़ाम से कोई ज़्यादा लेना देना नहीं होता, वो बस एग्ज़ाम देने चले जाते हैं। और जैसे कि आप सभी को पता है कि सीजी में भी कोई सा भी आप फॉर्म भरो तो फ्री हो गया है, ठीक है, उसके लिए किसी भी तरह का फीस वगैरह नहीं लिया जा रहा है। इसीलिए जो आप फॉर्म भरने वालों की जो संख्या है वो हमेशा बढ़ती ही जा रही है। तो आप उससे, आप सभी को उनसे घबराना नहीं है, क्योंकि केवल कंपटीशन वो दिखाने मात्र के लिए है। केवल 30% ही ऐसे होंगे जो सीरियस होंगे और पढ़ाई लिखाई में ध्यान देते हैं। तो मैं उन 30% लोगों के लिए मैं स्ट्रेटजी की बात कर रहा हूँ जो सीरियस है। बाकी 70% है उनके लिए स्ट्रेटजी बनाने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। तो चलिए, अब हम धीरे धीरे शुरू करेंगे कि कैसे हम इस एग्ज़ाम को अपने तरीके से 100% दे सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, इसमें मैं किसी भी एक एग्ज़ाम का एग्ज़ाम्पल लूँगा और उससे हम कोशिश करेंगे कि उसी तरह का हमको सारे एग्ज़ाम्स में स्ट्रेटजी को फॉलो करना है। क्योंकि कल एग्ज़ाम है महिला सुपरवाइज़र का, तो मैं इस एग्ज़ाम का एग्ज़ाम्पल लेके मैं आपको स्ट्रेटजी समझाऊंगा कि आखिर कैसे इसको फॉलो करना है एग्ज़ाम के अंदर, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। स्ट्रेटजी टू बी फॉलोड, मतलब क्या क्या स्ट्रेटजी फॉलो करना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले मैं एग्ज़ाम्पल के लिए मैं क्या ले रहा हूँ, महिला सुपरवाइज़र, ठीक है, फीमेल सुपरवाइज़र, ठीक है। ये वाला मैं एग्ज़ाम को एग्ज़ाम्पल लेके मैं स्ट्रेटजी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। पहले देखिए, ये जो एग्ज़ाम है फीमेल सुपरवाइज़र का जो कि कल होने वाला है, देखिए इसमें टोटल पूर्णांक कितने का है, ठीक है, ध्यान से समझिएगा इसको, बहुत अच्छे से समझना। अगर इसको समझ लेते हैं तो आपको सारे एग्ज़ाम में क्या क्या स्ट्रेटजी होगा बहुत अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, पहली बात तो यहाँ पर जो पूर्णांक होगा या टोटल मार्क्स होगा वो 100 नंबर का होने वाला है, ठीक है, 100 नंबर का। बाकी देखिए, दूसरे एग्जाम में ये वेरी कर सकता है, तो मैं बस एग्जाम्पल लेके समझा रहा हूँ। आप इसी स्ट्रेटजी को दूसरे में भी फॉलो कर सकते हैं। जो प्रश्नों की संख्या है, जो क्वेश्चंस हैं, वो यहाँ पे कितने हैं, 100 है, ठीक है, 100 क्वेश्चंस भी यहाँ पे हैं, ठीक है, 100 क्वेश्चन 100 नंबर का। मतलब कहने का कि एक प्रश्न पे एक नंबर दिया जाएगा, एक सही होने पे एक नंबर दिया जाएगा, ठीक है। इसके लिए जो समय है वो कितने घंटे का, 2 घंटे का डिसाइड किया गया है। तो देख सकते हैं कि ये जो 100 क्वेश्चंस है उसके लिए मात्र 2 घंटे का ही समय दिया गया है, तो समय बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तो याद रखिएगा, इस समय को बहुत ध्यान में रख के चलना है। जो नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे होने वाला है
वो 1/4 का है, 1/4। जो सीजी व्यापम का जो एग्ज़ाम होता है, जो सीजी व्यापम एग्ज़ाम लेती है वो जनरली 1/4 ही होता है, और जो सीजीपीएससी जो लेती है उसमें 1/3 होता है। ठीक है, इतना चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा हम कि माइनस मार्किंग कैसे होता है उस चीज़ को यहाँ पे हम ध्यान देख लेते हैं कि आखिर कैसे किया जाए। बहुत सारे लोगों को इसमें भी कन्फ्यूज़न होता है कि सर माइनस मार्किंग कैसे होगा। कुछ लोगों ने कमेंट भी किया था, कुछ लोगों ने पूछा भी था, तो मैं यहाँ पे उनको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि माइनस मार्किंग कैसे होता है। देखिए अगर इस एग्ज़ाम की बात करूँगा महिला सुपरवाइज़र का या महिला पर्यवेक्षक का, तो इसमें 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है, अगर मान लो एक प्रश्न सही होता है, ठीक है, तो क्योंकि 100 प्रश्न है और 100 नंबर का ही एग्ज़ाम हो रहा है, मतलब एक क्वेश्चन पर एक नंबर मिलेगा। मतलब अगर आपका एक सही होता है तो आपको एक अंक जो है दिया जाएगा आपको। ठीक है, लेकिन अगर आप एक गलत करते हैं, ठीक है, एक गलत होगा तो आपका 1/4 काट लिया जाएगा। तो ये एक अंक जो मिल रहा था एक सही होने का, इसी अंक का 1/4 मिलता है। ठीक है, अगर ऐसा किसी किसी एग्जाम में ऐसा होता है कि एक सही होने पर 2 अंक दिया जाता है, ठीक है, लेकिन उसी एग्जाम में जिसमें एक सही होने पर 2 अंक दिया जा रहा है, तो जब एक गलत होता है तो इस 2 का 1/4 काटा जाता है। याद रखिएगा, अगर 1/4 माइनस मार्किंग है तो इस 2 का 1/4 काटा जाता है। तो हमारे दिमाग में बस यही चलता है कि 1/4 कट रहा है, मतलब 1/4 काटा जा रहा है, तो वो गलत है। समझ में आ रहा है ना, अगर एक सही होने का 1 अंक दिया जा रहा है तो जब एक गलत होगा तो इस 1 का 1/4 काटा जाएगा, या फिर उस एग्जाम में एक सही होने का 2 अंक दिया जा रहा है तो एक गलत होने पर 2 का 1/4 काटा जाएगा। ठीक है, मतलब क्या कि अगर एक सही होने पर 1 मिल रहा है तो एक गलत होने पर 1 का 1/4, मतलब कहने का 0.25 मार्क जो है क्या किया जाएगा, डिडक्ट कर दिया जाएगा, काट लिया जाएगा, मतलब -0.25 होगा। लेकिन इस केस में जाएंगे 2 वाले में तो इसमें हो जाएगा, देखिए काटेंगे 2 × 2 = 4, 1/2, मतलब -0.5, आधा नंबर यहाँ पे काटा जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगर कई बार से ऐसा भी होता है कि 1/3 काटा जाता है, ठीक है, ये 1/4 के लिए है, जब आपका 1/4 माइनस मार्किंग हो तब। ठीक है, जब 1/3 होता है, जब सीजीपीएससी एग्जाम लेती है तो उसमें माइनस मार्किंग जो होता है 1/3 काटा जाता है। ठीक है, तो उसमें सही होने पर मान लो ऐसा होता है कई बार से कि अगर मान लो आपका 1 सही होता है तो इसमें आपको नंबर जो है 2 अंक मान लो दिया जाता है। ठीक है, तो जब 1 गलत होगा, जब आपका 1 गलत होगा तो 1/3 नहीं, इस 2 अंक जो है इसका 1/3 अंक काटा जाता है। ठीक है, मतलब 1 सही होने पर 2 अंक मिला तो 1 गलत होने पर इस 2 का 1/3 काट लिया जाता है। ठीक है, इतना याद रखिएगा। तो अब यहाँ पे देखेंगे तो 1 गलत होने पर, अगर जो 1 सही जो मिल रहा है 1 सही होने पर, तो इसमें 1 गलत होने पर जो 1/4 काटा जाएगा 0.25, तो अगर 1 गलत होने पर 0.25 काटा जा रहा है तो 4 जब गलत होगा तब जाके 1 नंबर आपका कटेगा। मतलब आप यहाँ पे ये समझ सकते हैं कि अगर मान लो 4 प्रश्न में आप तुक्का मार रहे हैं तो 4 में से अगर 1 भी आपका सही हो जा रहा है तो आपको ये जो है बैलेंस कर देगा। ठीक है, इसीलिए जो केवल तुक्के पे जाते हैं उनको कई बार से 0 अंक मिल जाता है। तो ये सब मैं बस इसलिए समझा रहा हूँ, कई कई लोगों को माइनस मार्किंग के गड़बड़ होता है। तो याद रखिएगा कि जितना 1 सही होने पर मिलता है उतना का ही 1/3 या 1/4 काट के नंबर जो है माइनस मार्किंग किया जाता है। तो ये सब बेसिक चीज़ था जो बहुत सारे लोगों को डाउट रहता है, इसलिए मैंने यहाँ पे बता दिया। ठीक है, उम्मीद है आपको माइनस मार्किंग समझ में आ गया होगा। तो महिला सुपरवाइजर में 1/4 है, मतलब 1 अंक का 1/4, मतलब 1 गलत होने पर -0.25 अंक काट लिया जाएगा। ठीक है, मतलब कहने का कि आप 4 प्रश्न अगर गलत करते हैं, ठीक है, 4 प्रश्न जब गलत करते हैं तब एक नंबर आपका कटेगा। ठीक है, अगर आपका 4 प्रश्न सही हो गया तो 4 अंक मिल जाएगा, लेकिन 4 प्रश्न गलत हो गया तो 1 नंबर कटेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्योंकि माइनस मार्किंग 1/4 है या फिर -0.25 ही है, इसलिए आप थोड़ा सा यहाँ पे रिस्क ले सकते हैं। जब इसको सॉल्व करेंगे, जब थोड़ा सा तुक्का मारेंगे तो हल्का सा रिस्क ले सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि जब 1/3 होता है तो यहाँ पे माइनस ज़्यादा होता है। ठीक है, जब 1/4 होता है तो आप रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि 4 क्वेश्चन गलत होने पर ही 1 कटेगा। अगर 4 में से 1 भी सही हो जाता है तो आपका चांसेस थोड़ा सा नंबर आपका बढ़ जाएगा, इसीलिए 1/4 में थोड़ा सा रिस्क लिया जा सकता है। मैं आगे डिस्कस करूंगा कि आखिर कैसे करना है। ठीक है, तो ये था माइनस मार्किंग। ठीक है, अब देखिए आगे हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि क्या है।
आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए अब क्या समझना है हमको, उस चीज को समझिए। अब किसी भी एग्जाम को निकालने के लिए, ठीक है, चाहे महिला सुपरवाइजर हो या फिर सीजी व्यापम या सीजी पीएससी का कोई सा भी एग्जाम हो, उसके लिए हमको क्या स्ट्रेटेजी लेना चाहिए, कितना सही क्वेश्चन हमको एटलीस्ट होना चाहिए। तो जो यहाँ पे मैं अपनी एक्सपीरियंस की बात कर रहा हूँ कि आखिर कैसे निकाला जाएगा, तो एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग मैं ये कह सकता हूँ कि आपका चाहे जो भी एग्जाम लिया जा रहा हो, ठीक है, याद रखिएगा जो भी एग्जाम लिया जा रहा है उसका अगर आप 75% प्रश्नों का अगर सही उत्तर देते हैं तो आप सेफ हैं। समझ में आ रहा है? तो अगर मैं महिला सुपरवाइजर की बात करूं तो अगर यहां पे 100 प्रश्न का एग्जाम लिया जा रहा है तो 100 में से अगर आप 75% या फिर कह लीजिए 75, ठीक है, या फिर ये 75 से लेके 80% मैं यहां पे थोड़ा सा आपको एक यहां पे एक इंटरवल दे रहा हूं, यहां पे अंतराल दे रहा हूं, ठीक है, 75 से 80%, ठीक है, या फिर कह लीजिए कि 75 से लेके 80 तक अगर आप अंक स्कोर कर पा रहे हैं, ठीक है, 100 में से अगर आप 75 से 80% मार्क्स, यानी 75 और 100 के बीच में अगर आप स्कोर कर रहे हैं अंक, तो आप यहाँ पे अपने आप को सेफ महसूस कर सकते हैं, आपका एक पोस्ट हो सकता है। लेकिन ये डिपेंड करता है कि कितने पोस्ट हैं, ठीक है, ये कितने पोस्ट के ऊपर भी डिपेंड करता है, क्योंकि अगर पोस्ट कम होगा तो कट ऑफ तो जाहिर सी बात है कि हाईएस्ट ही जाएगा, ठीक है। लेकिन मेरा अनुभव कहता है, क्योंकि क्वेश्चन भी तो हार्ड होते हैं ना अगर पोस्ट कम होते हैं, ठीक है, तो याद रखिएगा कि अगर आप कोई सा भी एग्जाम दे रहे हैं उस एग्जाम में जितना भी टोटल मार्क्स है उसका अगर 75 से 80 के बीच में अगर आप नंबर स्कोर कर लेते हैं तो आप अपने आप को थोड़ा सा सेफ फील कर सकते हैं कि नहीं, मतलब चांसेस यहाँ पे बढ़ जाएगा, ठीक है। किसी भी एग्जाम की मैं बात करता हूँ, अगर मान लो 150 नंबर का एग्जाम हो रहा है तो इस 150 का 75%, ठीक है, 150 का 75% निकाल दीजिए तो जो कुछ भी आएगा तो काट ही देते हैं, ठीक है, चलिए देखिए 1 से 1 0 काट दिए, ये 5 × 2 = 10, ये 15 × 5 = 75, ठीक है, और इधर 15 × 15 = 225 मतलब 112.5। अगर 150 में आप 112.5 भी नंबर आप ले आते हैं तो आप सेफ हो सकते हैं। मतलब कहने का ओवरऑल मैं ये कहना चाहता हूँ कि चाहे कोई भी एग्जाम हो अगर उसका 75 से 80% तक का मार्क्स अगर आप स्कोर कर ले रहे हैं तो आप अपने आप को सेफ फील करा सकते हैं। अगर महिला सुपरवाइजर की मैं बात करूँ तो अगर 100 नंबर का एग्जाम हो रहा है तो 100 का 75% कितना हो जाएगा 75 अंक, या फिर 100 का 80% कितना हो जाएगा 80 अंक। अगर आप 75 और 80 के बीच में भी ला रहे हैं तो अपने आप को सेफ फील कर सकते हैं, और 80 से अगर ऊपर जा रहा है तो आपका चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ये सारे एग्जाम के लिए स्ट्रेटेजी है, फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब आपको याद रखना है, ये स्ट्रेटेजी मैं एक तरीका बता रहा हूँ कि आपको कितना क्वेश्चन एटलीस्ट अटेम्प्ट करना है, ठीक है। क्योंकि देखिए ना भाई, हमको सारे क्वेश्चन एग्जाम में नहीं बनाना है, समझ में आ रहा है ना। कोई ऐसा विद्वान वहाँ पे नहीं जा रहा है जो 100 में 100 सही करके आएगा, वो कई सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो उससे गलत होगा ही होगा और उसको नहीं पता होगा, क्योंकि एग्जाम में सारे क्वेश्चन जो है बनाने के लिए नहीं होते हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो केवल छोड़ने के लिए आते हैं, समझ में आ रहा ना। तो हमको क्या गया, अगर मैं 75 से 85% माय मार्क्स अटेम्प्ट करने को बोल रहा हूँ तो भाई आप 25 से 30%, ठीक है, 20 से 25%, ठीक है, 20 से 25% प्रश्नों को छोड़ने का भी तो मैं बोल रहा हूँ ना। तो ये ऐसे प्रश्न होते हैं जो जनरली सबके गलत होते हैं, और गलत होगा ही, और हार्ड होते हैं, जो सबके लिए नए होते हैं, ठीक है। तो आपको केवल 80%, ठीक है, 75 से 80% जो क्वेश्चंस हैं जो इजी होंगे, जो बनेगा ही बनेगा, इस पे फोकस करना है। बाकी आप 20 से 25% जो हार्ड है इसको छोड़िए ना। इसलिए जब आप तैयारी भी करेंगे तो जो हार्ड पोर्शन है उसको छोड़े, हार्ड के चक्कर में जो हमारा इजी होता है वो वाला भी गलत हो जाता है, ठीक है। तो आप 75 से 80% स्कोर करने के लिए आप पढ़ें, जो हार्ड है उसको छोड़ना है। एग्जाम में भी जब आपके सामने प्रश्न है तो जो इजी है 75 से 85% को पहले सॉल्व करें, बाकी ये सब जो हार्ड है उसको स्किप करना है, तुक्का मार के अपने आप का गलत नहीं करना है। तो इन चीज़ों को ध्यान रखना है। अब हम देखेंगे कि एग्जाम में अब जब जाते हैं तो क्या करना है, क्या नहीं करना है, तुक्का कैसे मारना है, कब तुक्का नहीं मारना है, ये सब चीज़ों को हमको ध्यान देना है, ठीक है। चलिए अब हम आगे समझते हैं, ठीक है। चलिए तो हम अब डिस्कस करेंगे डूज एंड
डोंट्स, ठीक है, मतलब क्या हमको करना है और क्या नहीं करना है। तो पहले हम डिस्कस कर लेंगे कि हमको क्या करना है, तो हम डूज पर यहाँ पे फोकस करते हैं अभी, ठीक है। देखिए, क्योंकि मैं इस एग्जाम महिला सुपरवाइजर को अभी फोकस कर रहा हूँ, आप इसी सब को सब एग्जाम में इंप्लीमेंट कर सकते हैं, वो टाइम पे डिपेंड करता है। देखिए, क्योंकि इस एग्जाम में, पहला पॉइंट, इस एग्जाम में हमारे पास टोटल 100 क्वेश्चंस हैं, ठीक है, और समय जो है केवल 2 घंटे का ही है। तो ये 100 प्रश्न के हिसाब से देखा जाए तो ये 2 घंटा बहुत ही कम है, ठीक है। और हमको पिछले बार के मैथ्स के क्वेश्चंस और रीजनिंग के क्वेश्चंस को देखने के ये लगता है कि वो हार्ड आया था, ठीक है ना। पिछले बार का जो महिला सुपरवाइजर का जो एग्जाम था उसमें मैथ्स और जो रीजनिंग के पोर्शन थे वो जनरली हार्ड था, तो इस बार भी हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि क्वेश्चंस इतना ईजी नहीं आएगा, कॉम्पिटिशन भी ज़्यादा है, इसीलिए क्वेश्चन जो है हार्ड आएंगे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये 100 क्वेश्चन जो है ये 2 घंटे में बनाना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए थोड़ा सा आपको स्पीड और एक्यूरेसी के साथ चलना पड़ेगा, ठीक है। स्पीड के साथ साथ एक्यूरेसी को भी बना के चलना होगा, ठीक है, ये पहला चीज, ठीक है। समय को आपको ध्यान देना है, हल्के में नहीं लेना है, पहला चीज। दूसरा क्या हमको करना है कि देखिए, हम जो भी क्वेश्चंस आएंगे 1 से लेके 100 तक, इसको हम 3 पार्ट में बांट सकते हैं। पहला क्या कि जो एग्जाम ईजी होगा, दूसरा क्या जो मॉडरेट होगा, और तीसरा क्या हार्ड होगा। 3 तरीके से हम इसको बांट सकते हैं। इजी में हम क्या बनाएंगे, इसको हम फर्स्ट राउंड के अंदर रखेंगे, ठीक है। इजी में हम क्या करेंगे, फर्स्ट राउंड के अंदर। मॉडरेट वालों को हम सेकेंड राउंड के अंदर रखेंगे, ठीक है, और हार्ड वाले को हम थर्ड राउंड के अंदर रखेंगे। अब फर्स्ट, सेकेंड राउंड और थर्ड राउंड का क्या मतलब हुआ। फर्स्ट राउंड में देखिए, इजी को मैं रखा हूं, मतलब आपको क्या करना है, शुरू से प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर 100 तक को थ्रू जाना है, ठीक है, थ्रू आउट जाना है 1 से लेकर 100 तक, और ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करते जाना है जो बहुत इजी हैं और बहुत कम समय में, लेस टाइम में ही हम जिसको सॉल्व कर सकते हैं, कम से कम समय में। ये जिद में लेके नहीं चलना है कि भाई 1 से लेकर मैं 100 तक सब क्वेश्चंस को बनाते जा रहा हूँ, तो इसके चक्कर में आप डूब जाएंगे, आप कभी भी क्वालिफाई नहीं कर सकते, ठीक है। तो 1 से लेकर 100 तक आपको क्या करना है, पहले इजी प्रश्नों को सॉल्व करते जाना है, जिसको सॉल्व करने में बिल्कुल कम समय लग रहा है और चुटकी में आप सॉल्व कर रहे हैं, तो ऐसे प्रश्नों को आपको पहले सॉल्व करना है फर्स्ट राउंड में। क्योंकि कई बार से शुरू से हम सॉल्व करते जाते हैं, आधा क्वेश्चन ही बना पाते हैं, और लास्ट में हम देखते हैं कि भाई उधर तो बहुत ईजी था और ईजी वाले प्रश्न छूट जाते हैं, ठीक है। इसीलिए पहला स्टेप क्या लेना है कि जो ईजी प्रश्न है, जो 1 से लेकर 100 तक हम जाएंगे, जो ईजी प्रश्न है उसको हमको सॉल्व करके फिर से वापस हमको आना है शुरुआत से, जो कि मॉडरेट प्रश्न थे, ठीक है। तो जब हम 1 से लेकर 100 तक जाएंगे तो इजी को हम सॉल्व करते जाएंगे, और जो थोड़ा मॉडरेट थे उसको हम सर्कल करते जाएंगे या स्टार करते जाएंगे, ठीक है। और वो ऐसे प्रश्न को हम स्टार करेंगे जिस हम नेक्स्ट राउंड में हम आसानी से थोड़ा सा ज़्यादा समय लेके हम उसको बना सकते हैं, लेकिन हम सही तरीके से बना सकते हैं। तो वैसे प्रश्नों को हम मॉडरेट के अंदर रखेंगे, जो कि सेकेंड राउंड में बनाएंगे। जब फर्स्ट राउंड कंप्लीट होने के बाद वापस से जब 1 से लेकर 100 तक जाएंगे तो हम मॉडरेट क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे, जो कि सेकेंड राउंड के अंदर रखा हूँ, ठीक है। इसको हम सॉल्व करेंगे, और क्योंकि थोड़ा सा ज़्यादा समय लग रहा था तो हम स्पीड के साथ भी इसको हम बनाते चलेंगे, क्लियर है। तो हम सेकेंड राउंड में जाएंगे। थर्ड राउंड में मैं हार्ड प्रश्नों को रखा हूँ, जिसके लिए हम बना तो सकते हैं लेकिन इसमें टाइम जो है हमसे ज़्यादा लगेगा, इसको हम थर्ड राउंड के अंदर रखते हैं। तो थर्ड राउंड के अंदर हम इन सारे क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते जाएंगे, ठीक है। तो ये हमको ये प्रोसेस अपनाना है, ठीक है। ये थर्ड राउंड के अंदर ही हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास बहुत सारा समय जो है जा चुका होगा, तो इस थर्ड राउंड के अंदर ही हम ये काम करेंगे। क्योंकि देखिए, इस एग्जाम के लिए जो माइनस मार्किंग है 1/4 है, ठीक है, मतलब हम थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं। रिस्क किसके ऊपर लेना है वो देखिएगा कि जो 50-50 क्वेश्चंस हैं, ठीक है, 50-50 क्वेश्चंस हैं, मतलब 4 ऑप्शन में से आपको केवल 2 ऑप्शंस के ऊपर ही डाउट है, ठीक है। 2 ऑप्शंस के, अगर 2 ऑप्शंस के ऊपर डाउट हो किसी भी एग्जाम में और माइनस मार्किंग 1/4 हो, तो आप कुछ नहीं, उसको आप तुक्का लगा दीजिए, 2 में से अगर डाउट हो तो हम इसको थर्ड राउंड के अंदर ही रखेंगे। देखिए, अगर आपको फर्स्ट सेकंड राउंड में करते समय अगर आपको लग रहा है कि आपका 75 से 85% जो स्कोर कर पा रहे, इतने प्रश्न जो है सही बना लिया है, ठीक है, मतलब 75 से 80 ले लेते हैं, ठीक है, 100 में 75 से 80 तक का जो प्रश्न है इतना आप क्या किए, आसानी से बना लिए, इतना आपका नंबर आ सकता है, तब आप तुक्का बिल्कुल नहीं मारेंगे, तुक्का मारना ही नहीं है, क्लियर है, ठीक है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि भाई 60 बन रहा है, 65 बन रहा है, तब उस केस में आप क्या करेंगे, जो 50-50 वाले प्रश्न हैं
और दो में जो डाउट है तो उसको आप तुक्का लगा देंगे, ठीक है। तो इतना चीज को हमको यहाँ पे लेके चलना है कि 50-50 वाले को कब मारना है, जब आपको 60 से लेके 70 बन रहा हो मान लो, और कुछ क्वेश्चंस में दो ऑप्शंस में डाउट है तो आप तुक्का मार दीजिए, ठीक है, दो ऑप्शन में। लेकिन आपका अगर 75 से 80 तक बन रहा है तो आप तुक्का बिल्कुल मत मारें। 50-50 वाले को थोड़ा बहुत रिस्क ले सकते हैं, लेकिन एकदम जिसके बारे में नहीं जानते उसको तो तुक्का मारना ही नहीं है, ठीक है। तो ये था डूज के अंदर की कि आपको क्या करना है, ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे डोंट्स के बारे में कि हमको क्या नहीं करना है, ठीक है। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं डोंट्स के बारे में कि हमको एग्जाम में क्या नहीं करना है। पहला क्या कि जिस प्रश्न के बारे में, देखिए पहली बात तो क्या, मैं फिर से एक बार रिपीट करूं कि ऐसे लोग जो बिल्कुल भी पढ़े लिखे नहीं है वो तो भाई 100 में 100 मार के आए, कोई दिक्कत नहीं है। मैं ये स्ट्रेटेजी उनके लिए बनाया हूँ जो सीरियस है, जो पढ़ने वाले स्टूडेंट है, जो पढ़ के जा रहे हैं, ठीक है। तो जो बिल्कुल नहीं पढ़े हैं 100 में 100 मारे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो पढ़ के जा रहे हैं उनको क्या नहीं करना है एग्जाम, वो समझिए कि अगर आप 75 से 80 के बीच सही सही बना लिए और जो प्रश्न के बारे में आप बिल्कुल नहीं जानते, ठीक है, जो अननोन प्रश्न है जिसके बारे में आप नहीं जानते, उस पर तुक्का नहीं मारना है, ठीक है, बिल्कुल भी तुक्का मत मारे। नहीं तो आपके तुक्के के चक्कर में जो आपका 75 से 80 के बीच में आप स्कोर कर रहे थे वो भी नहीं कर पाएंगे, और जब एग्जाम नहीं निकलेगा तो अपने आप को खुद डिमोटिवेट और कर लेंगे, ठीक है। तो तुक्का वहाँ पे नहीं मारना है, पहला चीज। दूसरा क्या कि कभी भी जो प्रश्न आपसे नहीं बन रहा है उसको जबरदस्ती उस पर टाइम देने की कोशिश नहीं करना। क्या बोल रहा हूँ कि जो प्रश्न आपसे नहीं बन रहा है, जो ज़्यादा टाइम टेकिंग है लगते ही, उसको आप छोड़ दीजिए, ठीक है। वो क्वेश्चन जो है छोड़ने के लिए बना है। कभी भी आप ईगो पर मत ले कि भाई ये प्रश्न को तो मैं सॉल्व करके ही जाऊंगा, ठीक है। तो ये ईगो जो है डुबाता है खुद को, क्लियर है इतना। ये दो चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, जो सवाल नहीं बन रहा है उसके ऊपर टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करें, देखते ही छोड़ें और आगे बढ़ें। ईगो पर नहीं लेना है कि हमको सॉल्व करके ही चलना है। और ये वाला पहला पॉइंट तो बिल्कुल याद रखें, 75 से 80 के बीच में जैसे ही आपका सॉल्व हुआ तो तुक्का मारना बंद। 50-50 वालों को थोड़ा बहुत एक दो क्वेश्चन में रिस्क ले सकते हैं, लेकिन बिल्कुल जिसके बारे में नहीं जानते उसको तो तुक्का ही नहीं मारना है, ठीक है। 60 से 65 के बीच में बन रहा है तो 50-50 वालों को मारे, ठीक है, लेकिन इतना आ रहा है तो बिल्कुल भी तुक्का ना मारे। इतना चीज़ को आप याद, ये डोंट्स के अंतर्गत आएगा। अब तीसरा चीज़ क्या देखना है हमको, अगला चीज़ कि बबल कैसे भरना है। बहुत सारे लोग यहाँ पे गड़बड़ी करते हैं, ठीक है, कि जो गोला है, जो बबल होता है उसको कैसे फिल करें, ठीक है, हाउ टू फिल बबल, गोला कैसे भरें। इसमें देखिए ये इस पॉइंट्स को आप इजीली मत लें, मैं खुद अनुभव की बात बता रहा हूँ। कई एग्जाम में जो सही सही नंबर में स्कोर कर सकता था, इस बबल फिल करने में हम गलत कर दिए। तो इसको कैसे सॉल्व करना, इसको बबल को कैसे भरना है, क्या स्ट्रेटजी होगा, इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। पहला चीज़ क्या कि बबल भरते समय कभी भी जल्दीबाजी ना करें, हड़बड़ी ना करें, पहला चीज़, क्लियर है, कि एकदम जल्दी जल्दी में हड़बड़ हम कर रहे हैं। देखिए, और सही तरीके से बबल भरें, ठीक है। कई बार से हम दूसरे का भी तीसरे में भर देते हैं या फिर दो ऑप्शन में हम गोला मार देते हैं, ठीक है। मैं इसको बताऊंगा कि कैसे शॉर्ट आउट करना है, ठीक है। तो जल्दीबाजी में हमको बबल भरना ही नहीं है। जल्दीबाजी हम कब करते हैं, जब लास्ट में हम भरना शुरू करते हैं कि पूरा क्वेश्चन को हमने टिक कर लिया है, ऑप्शंस को हम लास्ट में 5 मिनट बचाएंगे और सभी गोला को हम भर लेंगे, यहीं पे हमसे गड़बड़ी होता है, ठीक है। तो क्या करना है हमको, अभी मैं बनाता हूँ। तो पहली बात क्या बोल रहा हूँ कि बबल भरने में हमको जल्दीबाजी नहीं करना है। ये दिमाग में मत रखें कि पहले मैं सारे प्रश्नों का ऑप्शन जो है, जो सही आंसर है उसको मैं टिक कर लूँगा और लास्ट का जो 5 मिनट बचेगा उसमें मैं अपना गोला भर लूँगा। इस चीज़ को दिमाग से बिल्कुल निकालें। ये जो तरीका होता है ये सबसे गलत होता है। मैं लिख के दे सकता हूँ कि लास्ट में अगर आप सोचेंगे कि 5 मिनट के समय में पूरा मैं 100 गोला भर दूँ तो पक्का 2 से 3 मिनिमम ऐसे जो बबल्स होंगे जिसको आप गलत भरेंगे ही भरेंगे। तो इसके लिए सही तरीका क्या है कि पीछे तो मैं स्ट्रेटजी बताया ही हूँ कि कब किसको सॉल्व करना है, पहले ईजी, फिर मॉडरेट, फिर हार्ड, तुक्का कब मारना है, 50-50 को कब मारना है, तो मैं बताया ही। अब गोला कैसे भरना है कि जैसे ही मैं पहला क्वेश्चन सॉल्व किया, इसका जो बबल है उसको मैं भर दिया, फिर दूसरा क्वेश्चन मान लो सॉल्व किया तो इसके बबल को भी सही सही भर दिया, तीसरा क्वेश्चन सॉल्व किया इसका बबल भर दिया। मैं ये स्ट्रेटजी कभी मैं आपको मैं
नहीं बोलूंगा कि आप पहले पूरे को सही टिक कर लें क्वेश्चन पेपर में ही और लास्ट में आप 5 मिनट में गोला भरें, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आपके लिए मैं सही यही बताना चाहूंगा कि आप क्या करेंगे, जैसे ही किसी ऑप्शन किसी भी क्वेश्चन का आंसर मिला उससे रिलेटेड जो बबल है उसको भर के बेफिक्र रहिए। लास्ट में हमारे पास, क्योंकि दिमाग में ये भी चलता है कि कुछ क्वेश्चन छूट गया है भाई उसको भी सॉल्व कर लेंगे और फटाफट बबल भरेंगे, और बबल भरने का भी प्रेशर, दोनों चीज़ का प्रेशर हमारे लास्ट में बनते लगता है। और क्योंकि समय हमारे पास बिल्कुल कम है, मात्र 2 घंटे का ही है, तो हम कितना ही प्रेशर को झेलेंगे, क्योंकि एक तो हम सारे क्वेश्चंस को कर नहीं पाएंगे, कुछ क्वेश्चन छूट जाएगा, ठीक है, और माइंड में ये चलेगा कि भाई मैं उसको छोड़ के रखा हूँ, मैं लास्ट में बनाऊंगा, तो हमारा आधा माइंड उधर क्वेश्चंस में चला जाता है और आधा माइंड इधर बबल भी भरना है, टाइम हमारे लिए कम पड़ने लगता है। इस केस में हम बहुत सारे जो सही आंसर हम बना के रखे थे उसका भी हम गलत बबल भर के हम माइनस मार्किंग पा जाते हैं। तो तरीका क्या है बबल भरने का, कि आप क्वेश्चन सॉल्व करते जाएं और उससे संबंधित जो सही तरीके से सोच समझ के उसका बबल भी भरते चलें, तो लास्ट में जो प्रेशर बनता है वो प्रेशर कम हो जाएगा और आपके पास इतना भी टाइम मिल जाएगा कि जो क्वेश्चन आपका छूटा हुआ था उसको फ्री माइंड से आप भर के सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। और एक मैं बहुत अच्छा तरीका बता रहा हूँ, इसको मैं हमेशा फॉलो करता हूँ, वो थोड़ा फनी भी है, ध्यान से कैसे सॉल्व करना है। देखिए, पेपर तो आप सभी को पहले दे दिया जाता है, ठीक है, ये चीटिंग नहीं कर रहा हूँ लेकिन ऐसा कभी कभी किया जा सकता है, क्योंकि देखिए 2 घंटे का समय हमारे लिए कम पड़ने वाला है, तो आपको क्या करना है, पेपर सबको पहले दे दिया जाता है। ठीक है, तो पेपर में यहाँ यहाँ पे क्या होता है, ये टेप लगा होता है, तो आप अगर देखेंगे, और सबको ओपन करने को नहीं बोला जाता है, तो आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ से जो कॉर्नर से, क्योंकि कॉर्नर में टेप नहीं रहता, यहाँ से पेपर को उलट के, ठीक है ना, यहाँ से पेपर को उलट के थोड़ा सा क्रॉसली देखेंगे तो आपको कुछ क्वेश्चन जो है यहाँ पे दिख जाएगा, क्योंकि इधर वाला इंग्लिश का रहता है और इधर वाला हिंदी का रहता है, तो कुछ क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिल जाएगा, तो क्वेश्चन को आप देख के आप दिमाग लगा सकते हैं कि भाई इसका आंसर ये हो जाएगा। जितने क्वेश्चन अगर आप देख पाते हो उतने क्वेश्चन का आप यहाँ पे आंसर लगा के, आंसर को माइंड में आप रख सकते हो, तो आपको यहाँ से एक चीज मिल जाएगा। ठीक है, तो वहाँ पे थोड़ा सा एकदम भी ईमानदार नहीं होना है कि भाई सब लोग टेप खोलेंगे तभी देखेंगे। ठीक है, तो आपको अगर टाइम बचा हुआ है तो आप यहाँ से क्रॉस में थोड़ा सा पेपर को उठा के जो क्वेश्चंस दिख रहे हैं उसके आंसर को अपने माइंड में रख सकते हैं। ठीक है, और पेपर जैसे ही मिलता है तो वहाँ पे हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि शुरू में कुछ क्वेश्चंस हार्ड मिल जाते हैं तो हमारा जो माइंड है थोड़ा सा डाइवर्ट होने लगता है। ठीक है, तो उस केस में क्या करना है, आप शुरू से लेकर लास्ट तक एक फटाफट पेपर को पलट के देखेंगे कि कौन कौन सा क्वेश्चन ईजी है, क्योंकि हार्ड क्वेश्चन जैसे ही हमारे दिमाग में आएगा हम डिमोटिवेट होने लगेंगे, पूरा पेपर खराब हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन ईजी आगे भी होते हैं। ठीक है, शुरू का पेज देख के हम पूरे पेपर को डिसाइड नहीं करेंगे कि पेपर हार्ड आया है, आगे क्वेश्चन ईजी भी रहते हैं, तो सारे प्रश्न को एक बार फटाफट सरसरी तौर पर देख लें, पूरा पेज नंबर वगैरह देख लें कि सारे क्वेश्चन आपके पेज में है कि नहीं, आपके बुकलेट में है कि नहीं। ठीक है, तो ये सारा चीज़ आपको स्ट्रेटेजी जो है कल के एग्जाम में और आने वाले जितने भी एग्जाम होंगे CGPSC CGVAPM का, ये सब माइंड में रख के चलना है। ठीक है, तो बस इस वीडियो के अंदर इतना ही, मैं यही स्ट्रेटेजी आपको बताना चाहता था, और ये वीडियो हमेशा अवेलेबल रहेगा, तो आप कभी भी एग्जाम में जाने से पहले एक बार जरूर देख लें, आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, तो कल के एग्जाम के लिए, जिसका भी कल एग्जाम है या फिर जो भविष्य में एग्जाम होगा, आप सभी को ऑल द वेरी बेस्ट, और मेरा यही कोशिश रहेगा कि आप सभी के लिए वीडियो जितना मैं पॉसिबल है मैं लाते रहूं, और मैं चाहता हूं कि आप हर एक का कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि आज के दौर में एक छोटा सा जॉब पाना भी कितना कठिन हो गया है आपको पता ही है, एकदम इम्पॉसिबल तो नहीं है लेकिन कॉम्पिटिशन का लेवल इतना ज़्यादा हाई होते जा रहा है कि भाई एक जॉब भी मिल जाए वही बहुत है। ठीक है, तो आप ईमानदारी से पढ़ते रहें। ठीक है, भीड़ को देख के आप अपने आप को डीमोटिवेट मत करें कि इतना फॉर्म आया है। ठीक है, तो बस आप अपने मेहनत पे भरोसा रखें, बाकी दुनिया से मतलब नहीं है, आपको केवल एक पोस्ट चाहिए, बस वो एक पोस्ट किसी तरह ले लें तो मेरा पढ़ाना, मेरा स्ट्रेटजी बनाना सफल हो जाएगा। ठीक है, फिर से एक बार जाते जाते बता दूं कि स्ट्रेटजी केवल पढ़ने वालों के लिए होता है, भीड़ बढ़ाने वालों के लिए बिल्कुल भी नहीं होता। भीड़ से डरना नहीं है, अपने आप पर अपने पढ़ाई पर भरोसा रखना है। तो कल के एग्ज़ाम के लिए फिर से ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।